अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल नंबर डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है रस ग्लैबरा मेडिसिन पर। सॉरी, आज हम बात करेंगे रस ग्लैबरा, इस मेडिसिन की यूजेस कैसे तैयार की जाती है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसकी लाइफ में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और आखिर में इसकी स्टेट क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कि हम रस ग्लैबरा के पेशेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रस ग्लैबरा तैयार कैसे की जाती है। तो रस ग्लैबरा मेडिसिन रस ग्लैबरा प्लांट से तैयार की जाती है। पहले उस प्लांट को खुश कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। जो नॉर्मली रस ग्लैबरा का यूज है क्लासिकल सिस्टम में, इसके दो मेन यूजेस हैं। एक तो ये है कि इसको माउथ अल्सर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एप्थेस्टोमाइटिस भी कहते हैं। और माउथ अल्सर में इसका रोल एज अ माउथ वॉश है। माउथ वॉश एक तो ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, दूसरा ये होता है कि मुंह में से जो स्मेल आ रही होती है उसको भी ये खत्म करता है। तो रस ग्लैबरा को माउथ अल्सर में एज अ माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो एंटी डायरिया मेडिसिन के तौर पर, ये दो इसके बहुत बड़े रोल्स हैं। थर्ड जो है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। अल्सर की ये बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरह रस ग्लैबरा के जो प्लांट है, इसमें हमें इसके लीव्स ग्रीन नजर आते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, इसका जो फ्रूट है वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर इंडिकेट करता है अट्रैक्शन को, ब्यूटी को। ये रीजन होती है कि इसको डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फेस के रस ग्लैबरा के जो प्लांट्स होते हैं, इसमें सुमक पाया जाता है, और सुमक का मतलब होता है कि ये दीस आर द एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इसी वजह से इसको माउथ अल्सर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये हर किस्म की क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी लाजमी चाहिए होता है, जहाँ पे बाकी चीजें होती हैं उसके लिए पानी मस्ट होता है। अगर उसको वाटरिंग नहीं करते, पानी नहीं देते, तो खुश्क हो जाता है। लेकिन रस ग्लैबरा जहाँ पे जमीन खुश्क भी होती है, पानी नहीं होता, वहां पे भी ये इजीली ग्रो कर देता है। तो ये इसका बड़ा एक डीप करेक्टर है जो कि इसकी कंटेंट नेचर को जाहिर करता है कि ये हर किस्म के एनवायरनमेंट में सेटिस्फाई रहता है, मुतमिन रहता है, शुक्र करता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट इसकी पर्सनैलिटी के जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं इसकी पर्सनैलिटी की। तो फर्स्ट पॉइंट हम उठाएंगे कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है प्लीज विद सिचुएशन एंड नॉट होपिंग फॉर द चेंज और द इंप्रूवमेंट। ये अपनी सिचुएशन अपनी स्टेट के साथ खुश रहता है। जिस तरह ये है कि ये कहता है कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दर्द होता है, लेकिन इस दर्द या तकलीफ ने मेरी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं उसी तरह अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा हूं, मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूं। जिस हाल में मैं हूं मैं शुक्र अदा करता हूं। तो ये कंटेंट होता है। इसके साथ दूसरी जो अटैच आती है वो ब्लिसफुल फीलिंग आती है। ब्लिसफुल वाला उसका वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ऐसे कहता है कि डॉक्टर, मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह का, मेरे बेटे हैं, मेरी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मैं शुक्र अदा करता हूं, हर हाल में उसका शुक्र अदा करता हूँ। अब वो जो लफ्ज है उसके पीछे क्या है, जहाँ पे हम डिलीजन वेल्थ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ उसके पास वेल्थ मौजूद है, फिर वो शुक्र अदा कर रहा है। जो कंटेंट है इसके पास लाजमी नहीं होता कि सब कुछ हो, इसके पास अगर कुछ भी ना हो फिर भी ये शुक्र अदा करता है, अपनी स्टेट के साथ मुतमिन रहता है। तो ये दोनों में फर्क है। अगला इसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट होता है वो एम्ब्रेस। एम्ब्रेस इज डिजायर टू बी एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, to hold someone close to you with your arms to express the affection, अपना प्यार अपना मोहब्बत जाहिर करना।
दूसरों को गले लगा लेना। अब जब दूसरों को गले लगाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप दिली तौर पर उसके साथ अपनी मोहब्बत अपने प्यार को शेयर कर रहे हैं, दिल से उसके साथ खुश हैं। तो ये जिसके साथ भी मिलता है खुले दिल के साथ मिलता है, इसके दिल में कोई कदूरत नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती। हाउस कीपिंग जनरल ऑब्सेस विद द हाउस क्लीनिंग। हाउस कीपिंग का मतलब है हाउस मैनेजमेंट, जिसमें क्लीनिंग आ जाती है, वॉशिंग शॉपिंग आ जाते हैं, हाउस को मैनेज करना, उसको खूबसूरत रखना, उसको साफ सुथरा रखना, उसको बहुत अच्छे अंदाज से रखना, ये हाउस कीपिंग है। ऑब्सेस का मतलब होता है जिस चीज के बारे में ये फिक्रमंद रहती है, जिसको ये अपने ऊपर सवार कर लेती है, जिसके बारे में ये परेशान रहती है, और खासकर इसके बारे में हाउस क्लीनिंग। इसके हाथ में हर वक्त कपड़ा होगा, घर को साफ कर रही होगी, कहीं पे गंदगी होगी वहां से झाड़ू लगाना शुरू कर देगी, कपड़ा लगाना शुरू कर देगी। इस बारे में ये बहुत फिक्रमंद रहती है कि मेरा घर साफ सुथरा हो, क्योंकि उसे क्लीननेस मैनिया, इसे सफाई का जुनून होता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी पाई जाती है, जोश पाया जाता है। और ये कब खुश होती है? When going out, जब ये कहीं बाहर जाती है तो ये बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद आता है लव, एक्सॉल्टेड लव, फीलिंग ऑफ ग्रेट। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार भरा होता है, बहुत ज्यादा लव भरा होता है। नेक्स्ट रूब्रिक आती है नेचर लव्स। नेचर का मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज स्पेंडिंग द टाइम इन द कंट्री साइड एंड ऑब्जर्विंग विद द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। कि जो अपना ज्यादातर टाइम गांव में देहातों में उन जगह पे गुजारता है जहाँ पे एक नेचुरल लाइफ मौजूद होती है, जहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती, जहाँ पे कोई बनावट नहीं होती। जैसे आप देखें ये गांव के लोगों में इसलिए खुश रहता है कि उन लोगों के अंदर जैसे वो अंदर होते हैं ऐसे ही वो बाहर होते हैं, वो दिल से सच्चे होते हैं, दिल से दूसरों को प्यार दे रहे होते हैं, दिल से दूसरों को खलूस दे रहे होते हैं, उनके अंदर बनावट नहीं होती। तो ये उन लोगों को पसंद करता है, नेचर लव। एक चीज होती है आर्टिफिशियल लव। आर्टिफिशियल में क्या आती है? बनावट, जो कि ह्यूमन मेड होती है, जिनके अंदर बनावट आ जाती है, ये उन चीजों को पसंद नहीं करता, ये हमेशा नेचर चीजों को पसंद करता है, कुदरत से इसको प्यार होता है। उन लोगों से प्यार होता है जो दिल से इसकी कदर करते हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का खोखलापन नहीं होता, किसी किस्म की बनावट नहीं होती। इसके बाद आगे हम चलते हैं प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स। ये कहता है मैं दूसरों को खुश रखूं, इसकी ये नेचर होती है। फिर आगे चलते हैं हम पावर सेंसेशन ऑफ। इसका मतलब होता है द पावर ऑफ परसीविंग थ्रू द सेंसेस। सेंसेशन आपके सेंस हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे सूंघने की हिस बहुत तेज है, मेरे चखने की हिस बहुत तेज है, मेरे सुनने की, मैं दूर तक देख सकता हूं। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर मेरी छठी हिस बहुत तेज है। तो इस तरह के वर्जन पे रूब्रिक अप्लाई होती है पावर सेंसेशन ऑफ। ये भी कहता है कि मैं दूर तक चीजों को देख सकता हूँ, परख सकता हूँ कि मेरे आसपास क्या है, मैं लोगों को परख लेता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कि अगर किसी ने मुझसे कोई बात की है तो उसके बात करने के पीछे अंदाज क्या है, उसका मतलब क्या है, ये मैं इतना तक जान लेता हूँ, मैं चीजों को जज कर लेता हूँ। तो इसके लिए रूब्रिक हम इस्तेमाल करते हैं पावर सेंसेशन ऑफ। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेंसुअल। सेंसुअल का मतलब है शोज आर सजेस्ट अ ग्रेट लाइकिंग फॉर द फिजिकल प्लेजर एस्पेशली सेक्सुअल प्लेजर्स। ये दूसरी चीजों से फिजिकल प्लेजर हासिल करता है, खुशी हासिल करता है, जैसे सेक्सुअल प्लेजर है इससे ये खुशी हासिल करेगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि सेंसुअल का लव सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए हो। सेंसुअल का मतलब यह है कि किसी भी चीज से आप खुशी हासिल कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, उनके लिए ये खुशी की बात है। कुछ लोग कहते हैं मेरा घर बड़ा हो, अच्छा घर हो, इससे उनको खुशी होती है। कुछ लोग अच्छी गाड़ी रखते हैं, इससे उनकी खुशी होती है। तो हर किसी के लिए खुशी का अंदाज डिफरेंट होता है और वो उन चीजों से खुशी हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। ये लोग बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एतमाद होता है। फिर हम आगे चलते हैं पीसफुल हेवनली पीस।
या पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं बड़े सुकून से रह रहा हूँ, मैं बड़े अमन से रह रहा हूँ, मैं अच्छी सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे घर में सुकून है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे सुकून है, मैं सुकून को पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ पीस, हेवनली पीस सेंसेशन ऑफ। या ऐसे भी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरी जिंदगी में सुख ही सुख है, मैं बहुत सुखी हूं, तो फिर वहां पे भी ये रूब्रिक अप्लाई हो सकती है पीस, फैमिली पीस, सेंसेशन। तो ये थी इसकी क्वालिटीज, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक, इसकी पर्सनैलिटीज के। अब हम चलते हैं कि रस्क लेब्रा का पेशेंट कैसे बीमार होता है, उसका माउथ अल्सर कैसे होता है, उसका गला कैसे खराब होगा, उसके मुंह में स्मेल कैसे आना शुरू हो जाती है, वो डायरिया का कैसे शिकार हो जाता है और उसके गले का अल्सर कैसे हो जाता है। तो अब उन चीजों को देखेंगे कि इसके अंदर बीमारी कैसे आती है, उसके पीछे रीजन क्या होती है। इसकी जो बीमारी शुरू होती है, एलमेंट फ्रॉम बी ट्रेड फ्रॉम द बी, बी ट्रेड का मतलब होता है धोखा देना, किसी के ट्रस्ट को आप जो किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना। बी ट्रेड का मतलब होता है कि जहां पे आपका ट्रस्ट होता है वहां से जो आप धोखा खाएंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बी ट्रेड, जहां पे आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई जाती है। तो आगे लफ्ज लिखा है फ्रॉम बींग, अभी तक स्टिल इसको धोखा दिया जा रहा है। और कौन लोग धोखा दे रहे हैं? जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं, जो कि इसके प्यारे हैं, जो कि इसके दोस्त हैं। एलमेंट्स फ्रॉम, अब वहां से इसका एलमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर बॉडी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर इलनेस शुरू हो जाती है। तो एलमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव, कहते हैं मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, जिन दोस्तों के ऊपर मैं एतमाद करता था उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। इसके बाद होता है डिल्यूजन, ट्रिकल बीन, ट्रिकल का मतलब होता है कोई चीज थोड़ी थोड़ी मिकदार में आना, टू रन और फॉल इन ड्रॉप्स, कतरों की सूरत में आना, थोड़ा टू फ्लो इन द थिन स्लो स्ट्रीम, जैसे बारिश के कतरे, थोड़े थोड़े कतरे होते हैं, वही नदी में गिर के नदी या पानी का बहुत बड़ा जखीरा बना देते हैं। तो अब यहाँ पे ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर ये लोग मुझे दीमक की तरह खा रहे हैं, ये लोग दीमक की तरह मेरी जिंदगी में आ गए, मुझे ऐसा ऐसा नोच रहे हैं, मुझे खा रहे हैं। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डिल्यूजन, ट्रिकल बीन। इसी तरह एक यहाँ पे और भी वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर हमारे पास ना बहुत कम कस्टमर आते हैं, दिन में कोई इक्का दुक्का कस्टमर आ जाता है। तो ये जो इक्का दुक्का कस्टमर आते हैं, या वो कहता है मेरे पास पेशेंट का फ्लो या कस्टमर का फ्लो बहुत कम होता है, तो वहां पे भी रूब्रिक अप्लाई होती है डिल्यूजन, ट्रिकल बीन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसको लोग कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो ये कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, विथड्रॉ फ्रॉम द रियलिटी व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी। लोग आपको बता रहे होते हैं आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है, अब ये रियलिटी है कि लोग इसे बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे रहे हैं, विथड्रॉ, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कहते मैं नहीं मानता कि मेरे दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं। इसके बाद वो कहता है ड्रग्स, टेकन द ड्रग्स एज इफ वन है, ऐसे लगता है मैंने मैंने कोई दवाई पी। काइंडली म्यूट रखा करें अपने माइक को डॉक्टर फकत प्लीज। जी, तो इसको लगता है कि जैसे मैंने कोई ड्रग पी हो, कोई नशावर चीज खाई हो, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चल रहा। आगे वो कहता है ड्रग्स, टेकन द ड्रग्स एज इफ वन हैड मैरिजुआना। मैरिजुआना क्या होता है कि जब आप मैरिजुआना ले लेते हैं तो आप नींद बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, आपको आसपास का होश नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा होता है। कहता है मैं मुझे ऐसे लगता है मैंने कोई नशावर चीज खाई हुई है, मुझे पता ही नहीं चल रहा और मेरे दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं। फिर वो कहता है डिलीजन अब्यूज बीम, मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई। डिलीजन बिट्रेड दैट शी इज, शी का वर्ड इसलिए यूज हुआ, शी नहीं है कि जहां पे लाजिम बात है लड़की हो, शी का लफ्ज कमजोर के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहता है मैं इतना कमजोर, ये सारे मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। डिलीजन चीटेड बींग, मेरे साथ इन्होंने चीट किया, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। डिल्यूजन स्टैब बैक इन द, मेरे तो पीठ में छुरा घोंप दिया है इन्होंने। फिर कहता है डिल्यूजन स्टैब विल बी नाइफ ऑन द सिंग,
मुझे भी अगर चाकू या छुरी मिल जाए तो मैं भी इनके साथ ऐसे ही करूंगा। डिल्यूजन वार इनसाइड हर, मेरे अंदर तो एक जंग चल रही है। डिल्यूजन स्नैक इन एंड अराउंड हर कोबरा स्टोमक इन, स्नैक से मुराद उसके आईपीआर है, स्नैक से मुराद उसके दोस्त हैं। कहते हैं मेरे आसपास हर जगह सांप ही सांप मौजूद है, मेरे पेट में भी सांप मौजूद है, मुझे ये नोच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। जो हमने पहले वर्ड देखा था डिल्यूजन ट्रिकल बींग, तो ट्रिकल का मतलब होता है कि ये उसको आहिस्ता आहिस्ता नोच रहे हैं, खा रहे हैं। तो फिर इसके बाद आता है डिल्यूजन एनर्जी स्कैटर्ड हिज एनर्जी, मेरी तो एनर्जी कम हो गई है, मेरी एनर्जी खो गई है। डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ, मेरे आसपास खतरा मौजूद है। फिर ये कहता है डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ वर्ल्ड इज डेंजरस, ये तो पूरी दुनिया है ही खतरनाक, मेरे आसपास डेंजर खतरा मौजूद है। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजरीज, ये लोग मुझे जख्मी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिल्यूजन सेपरेटेड बॉडी सोल बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम, ह्यूमन बॉडी के दो हिस्से होते हैं, ह्यूमन के दो, एक सोल और उसका बॉडी। सोल जो होती है वो आपका माइंड होता है, और इसमें ये कहा जाता है कि जैसा सोल चाहता है वैसे ही बॉडी उसके मुताबिक एक्ट करती है। अगर सोल कहती है मैं बीमार हूँ, या उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं बीमारी में, बीमारी की फीलिंग आती है, तो पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये कहता है मेरा सोल अलग है, मेरा माइंड अलग है, मेरी बॉडी अलग है। तो माइंड या बॉडी दोनों कहते हैं कि सेपरेट है। अब कैसे सेपरेट है? सेपरेट ऐसे रहे कि देखें बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर रही है। जैसे आप देखें किसी ने छुरा घोंपा मारा, सांप जैसे काट रहा है, तो वो किसके ऊपर है? बॉडी के ऊपर। लेकिन माइंड को नहीं पता चल रहा कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा है। कहता है मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी अलग है और मेरी सोल अलग है। अब जहां पे मैंने दो वर्ड जहां पे लिखे हैं चीटेड और बिट्रेड, के दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? कहां पे हम चीटिंग इस्तेमाल करते हैं, कहां पे हम बिट्रे इस्तेमाल करते हैं? डिसीव तो भी बिट्रेड के साथ है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि डिसीव कोई भी कर सकता है आपको, कोई भी धोखा दे सकता है, और बिट्रे वो होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो चीट और दोनों में फर्क क्या है? चीट का मतलब होता है टू वायलेट द रूल्स, ऑफन फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवांटेज, इट इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द गेम और ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू गेन अ फाइनेंशियल एडवांटेज। अब देखिए चीट, जब आप कोई भी रूल्स को वायलेट करते हैं, जैसे पेपर आप दे रहे हैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने किसी किस्म के अननेसेसरी सोर्स इस्तेमाल नहीं करना, गैर जरूरी इस्तेमाल जरा इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी आप क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। इसका मतलब है आपने रूल्स को वायलेट किया। मियां बीवी दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है शादी का, साथ निभाने का, हस्बैंड क्या करता है? किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ा लेता है। वाइफ क्या करती है? किसी और के साथ दोस्ती लगा देती है। अब क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। इसी तरह अब जहां पे इसके दोस्त इसके साथ चीटिंग करते हैं, और जाहिर है दोस्ती में क्या है? साथ निभाना, एतमाद, ट्रस्ट। आप इसके साथ किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो ट्रस्ट के बेस पे करते हैं। अब ये उस रूल्स को वायोलेट किया जाता है, ये चीटिंग होती है, और ये चीटिंग हमेशा फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए, कहीं ना कहीं पे मालिक फायदे होते हैं वहां पे चीटिंग हो रही होती है, कोई ना कोई एडवांटेज फायदे के लिए। जो बिट्रे होता है, बिट्रेड जो होता है वो ट्रस्ट को धोखा देते हैं, वो अनफेथफुल होते हैं, वो वफादार नहीं होते, वो किसी के वादे को नहीं निभाते, वादे को पूरा नहीं करते, वहां पे हम बिट्रे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके बाद इसके जो इसके अंदर रिएक्शंस आते हैं वो ये होते हैं कि इरिटेबिलिटी, फिलिपेंसी ऑफ द अदर्स फ्रॉम, ये चिड़चिड़ा हो जाता है। फिलिपेंसी का मतलब होता है कि जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब आपको इज्जत नहीं मिलती दूसरों से, तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। मसलन हम देखें कि एक आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो अपनी इस पर्सनैलिटी का, अपनी शख्सियत का, अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखते हैं, और जब दूसरे उनको उस तरीके से नहीं मिलते तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये किसी को वेटिंग एरिया में बैठना पड़ जाए तो वो कहते हैं कि यार ये मैं, मुझे उसने वेटिंग एरिया में बिठाया, मेरी रिस्पेक्ट का उसने ख्याल नहीं रखा। तो जब इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल देती, इनको अहमियत नहीं दी जाती, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो फिर ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये होते हैं डिटैच। डिटैच का मतलब होता है ये उस सिचुएशन से अलग हो जाते हैं।
जिन लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैच थे, अब उनसे ये डिटैच हो गया, उनसे अलग हो गया। देखिए डिटैच के बहुत सारे वर्जन हैं। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैंने मैंने एक MBA किया लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं किसी बैंक में जॉब नहीं कर रहा, मेरी जो डिग्री थी मैं उसके मुताबिक नहीं चल रहा, मैंने कोई और काम शुरू कर दिया। तो ये भी डिटैच होते हैं। एक पर्सन होता है कि मैं हूं तो डॉक्टर लेकिन मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने कोई और प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ, तो इट्स मीन कि वो अपनी प्रोफेशन से वो डिटैच हो गया। अब ये जो पर्सन है रस्क लेबरा, ये अपने दोस्तों से, अपनी IPR से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर जब मुझे गुस्सा आता है तो हम पूछते हैं अच्छा क्या आता है गुस्से में, क्या करते हो? कहते हैं मैं बाहर चला जाता हूँ। घर में लड़ाई झगड़ा हो क्या करते हो? बाहर चला जाता हूँ। अब ये डिटैच है। इसी तरह आते हैं एस्ट्रेंज, ये लोगों से लाताल्लुक हो जाते हैं, लोगों के साथ नाता तोड़ देता है। फिर आता है डिस्पेयर, पेन वेदन। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस हो जाना, पेन जो उसे फैमिली से, अपने IPR से दर्द तकलीफें मिलती हैं, इससे बड़ी मायूसी होती है। और मायूसी के बाद ये फिर चला जाता है फ्रेंडशिप एंड इज डिजायर टू एंगर टू अवॉइड, क्योंकि उससे पहले एंगर पास इवेंट्स अबाउट, जब वो सोचता है फलां ने मेरे साथ ऐसे किया था, मुझे नुकसान पहुंचाया था, डिवेल द ग्रीफ फ्रॉम द पास्ट ऑफेंसेस, डिवेल रिकॉल्स ओल्ड ग्रीवेंसेस, ये उन चीजों को याद करता है, मुझे फलां ने तकलीफ पहुंचाई थी, मुझे बड़ी दुख हुआ था जब उसने मुझे वो तकलीफ पहुंचाई थी, तो उन गमों को उन दुखों को ये याद करता रहता है। और फिर इसे एंगर पासिव, इसे गुस्सा आता है। फिर ये कहता है अवर्जन, टेलीफोन कॉल मेकिंग, अब मैंने फोन नहीं करना किसी को कॉल शॉल नहीं करना। फिर कहता है फ्रेंडशिप एंड इज डिजायर टू एंगर टू अवॉइड, मुझे दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए ताकि मैं गुस्से से बच जाऊं, क्योंकि जब मैं उनके बारे में सोचता हूं मुझे गुस्सा आता है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया था, तो इससे बेहतर है कि मैं दोस्ती उनके साथ खत्म कर दूं ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए। ये हेट्रेड हो जाता है, हेट्रेड पर्सन ऑफेंडेड हिम, हेट्रेड ऑफ द पर्सन, ये उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देता है। किल डिजायर टू ऑफेंडेड हिम दोस्त, उन लोगों को मारना चाहता है। हेट्रेड रिवेंजफुल हेट्रेड, उन लोगों से नफरत करता है, कहता है मैं इनसे बदला लूंगा। कौन लोग? जिन लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया, इसको चीट किया, इसको बिट्रे किया, इसको पेन दिया, इसकी फ्रेंडशिप को डिसीव किया, उन सब लोगों से इसको नफरत हो जाती है। फिर ये क्या करता है? मेलिशियस हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, मेलिशियस का मतलब है इसके अंदर फिर कीना आ जाता है। पहले ये दूसरे लोगों को खुश कर रहा था, अब इसके अंदर कीना आ जाता है, और इसमें कीने में क्या करेगा? हर्टिंग द अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग को हर्ट करेगा। देखिए दूसरों की फीलिंग कैसे हर्ट होती है। एक कंपनी में, एक महफिल में, एक गैदरिंग में आप खड़े हैं, आपने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अब ये क्या करेगा? क्योंकि इसको आपने इसको नाराज किया है, इसको दुख पहुंचाया है, अब ये उस महफिल में क्या करेगा? क्योंकि ये भी कोई कपड़े हैं, इससे तो अच्छे कपड़े फलाने पहने हुए हैं। अब जब आप ये बात सुनेंगे तो क्या होगा? आप हर्ट होंगे। इसी तरह अगर आप एक गैदरिंग में खड़े हुए हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े पेशेंट आपसे ठीक होते हैं, अब ये वहां पे क्या करेगा? क्योंकि ये भी कोई डॉक्टर है, इसने 2 नंबर डिग्री ली है, पता नहीं ये कैसे डॉक्टर बन गया, मैं तो नहीं ठीक हुआ इससे, तो ये क्या करेगा? दूसरे लोगों की फीलिंग को हर्ट करेगा, क्योंकि ये मेलेशियस होता है। कौन से लोग जिन्होंने इसको हर्ट किया? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, आते हैं मिस एंथ्रोपी, इसे लोगों से खौफ आना शुरू हो जाता है, लोगों से डरता है, गैदरिंग में नहीं जाता। Striking desire to strike to betray him दोस्त, ये कहता है मैं उन लोगों, मेरा दिल करता है मैं लोगों को मारूं, मार दूं जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। फिर इसके बाद आता है mental exertion, desire for fatigue during, fatigue किसे कहते हैं? थकावट को। अब जब ये उन लोगों से लड़ लड़ के थक जाता है, उनकी बातें सोचता रहता है, फिर कहता है मैं कोई ना कोई mental exertion, कोई ना कोई दिमागी काम करूं ताकि मेरी तवज्जो जो है वो आगे पीछे हो जाए।
अच्छा, अब चूंकि पहले हमने एक रुबेकस की देखी थी, विदड्रॉ फ्रॉम द रियलिटी, लोग इसे बता रहे होते हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहता है कोई ऐसी बात नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करता उसको। इसके बाद वो कहता है फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, कहीं मुझे कोई और नुकसान ना पहुंचाए, फियर टॉकिंग से समथिंग रॉन्ग लेस इशू, मुझे बात नहीं करनी चाहिए कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ही ना निकल जाए, और फिर क्या होगा, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, कहीं मुझे और कोई नुकसान ना पहुंचे, कहीं मैं और कोई जख्मी ना हो, मुझे कोई और खतरा ना मिले। इसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं डिल्यूजन अथॉरिटी वर्क इन दिस, मुझे अपने काम में अथॉरिटी है, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं अपना काम पूरे मुकम्मल तौर पर कर सकता हूं, और ऐसा काम क्या है, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, दूसरों को खुश रखना, हाउस कीपिंग, घर की मेंटेनेंस करना, घर की मैनेजमेंट करना, उसको प्रॉपर तौर पे रखना। इसके बाद वो कहता है प्रोटेक्टेड फीलिंग, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बीइंग सेफ फ्रॉम एनी डेंजर, स्टेट ऑफ द बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और अदर आउटकम्स। जब आप ये समझते हैं कि मैं मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, जैसे एक पेशेंट आपके सामने कहता है कि डॉक्टर मेरी अच्छी भली जॉब है, मुझे पे मिल रही है, मुझे पता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे एक ह्यूज अमाउंट मिलेगी और मेरा पेंशन भी मिल जाएगी, बहुत अच्छा गुजारा होगा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे बेटे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, वो आगे मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैंने बैंक में रखी हुई है, सेव रखी हुई है। इसी तरह डॉक्टर मुझे मेरी इंश्योरेंस भी हुई हुई है, तो अगर मैं बीमार होऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी इंश्योरेंस हो गई, या मुझे छोटी मोटी बीमारी है तो मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। तो मैंने हर तरफ से ना अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि मैं सेफ हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो इस पे ये रुबरिक इस्तेमाल होती है प्रोटेक्टेड फीलिंग। अब उसकी प्रोटेक्टेड फीलिंग क्यों है, डिलीजन अथॉरिटी वर्क है, वो कहता है मुझे अपने काम पे अबूर है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये इन लोगों से हैंडल, इन लोगों को हैंडल कर लूंगा, इन लोगों को देख लूंगा, मैंने इन लोगों से अपने आप को महफूज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक रूब्रिक थी उसको भी साथ में डिस्कस करता चाहूँ, ये थी डिप्रेशन सैडनेस कंपनी जनरल एम्बेशन। ये जो मेडिसिन होती है रस्क लेबर, ये डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में क्या होता है कि ये लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वजन कम होना शुरू हो जाता है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि इसके पीछे ग्रीफ मौजूद होता है, वो इन चीजों को सोचता रहता है, फलाने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे चीट किया, मेरे साथ धोखा किया, उसी गम में ये मुब्तला रहता है, उसे को याद करता रहता है। फिर ये कहता है नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि ये डिप्रेशन स्टेट में होता है, देन ये कहता है डिल्यूजन बटरफ्लाईज ऑफ। बटरफ्लाई क्या होती है, बटरफ्लाई इज द पावर ऑफ एयर, द एबिलिटी टू फ्लोट अपॉन द ब्रीज, नोन फॉर इट्स डार्टिंग फ्लाइट, द प्रेजेंस द माइंड एंड एबिलिटी टू चेंज इट। बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल रिबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को, होप को, लाइफ को, क्योंकि इसकी लाइफ बड़ी कम होती है। तो ये कहते हैं कि मैंने दोबारा रिप्रोड्यूस होना है, रिबर्थ होना है। तितली जब जा रही होती है आप देखते हैं कितनी हल्की सी होती है, जरा सा चौंका इसको गिरा देता है। अब ये क्या करती है, अपने आप को स्टेबल रखती है, कभी एक फूल पे कभी दूसरे फूल पे, हवा में उड़ रही होती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, बड़ी खूबसूरत सी, सॉफ्ट सी, स्टेबल सी होती है। हालांकि ये बड़ी लाइट सी होती है, लेकिन फिर भी एयर के अंदर ये फ्लो कर रही होती है, फ्लाई कर रही होती है, अपने आप को स्टेबल रख रही होती है। तो जो बटरफ्लाई है ये करती है कि इसको हवा के चौके पे तैरने की सलाहियत, ये तेज प्रवास करती है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कहती है कि ये जिंदगी की नुमाइंदगी करती है, उम्मीद की, ये कहते हैं कि जी उम्मीद और जिंदगी, इन दोनों को ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये कहता है
एक इसमें एक और लाइन भी लिखी हुई है, रूहानी तब्दीली के अमल को ये करीब से आईनेदार करती है और हमें याद दिलाती है कि जिंदगी मुख्तसर है। तो डिल्यूजन बटरफ्लाई, अब ये इसको ख्याल आता है कि यार ये जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर सी है, खत्म हो जानी है, क्यों ना मैं हारमोनी में रहूं, लोगों के साथ खुश रहूं। अब फिर अगेन वही रूब्रिक जहां पे आती है, विदड्रॉ फ्रॉम द रियलिटी। जो रियलिटी है उससे दोबारा फिर ये विदड्रॉ करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पहले ये डिटैच हो जाता है, स्ट्रेंज हो जाता है, लोगों से अलग हो जाता है, उनसे हेटेड हो जाता है। अब ये क्या कहते हैं, डिप्रेशन सैडनेस कंपनी जनरल एम्ब्रेशन। ये डिप्रेशन स्टेट में लोगों में खुश रहता है, जब लोग इनसे बातें करते हैं तो बड़े रिलैक्स होते हैं। फिर ये कहते हैं कंपनी डिजायर फॉर रिलैक्स ऑफ दोस्त शीक हैं, मुझे उन लोगों पर कंपनी चाहिए जो लोग मुझे रिलैक्स कर सके। सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट विडो इन दो, विडो कहते हैं बड़े बड़े चरागाह, ग्रॉस लैंड जो बड़े पुरसकून होते हैं, अमन होता है वहां पे। कहते मेरे दिल करते मैं वहां पे बैठूं क्योंकि वो नेचर है, वहां पे किसी किस्म की बनावट नहीं। कहते मैं उन जगह पे जाके बैठूं, मेरा दिल करता है मैं वहां बैठूं। सिंपैथी फ्रॉम द अदर डिजायर फॉर, मेरे साथ कोई हमदर्दी करे, मेरे साथ कोई अपने दुख बांटे, मेरे दुख कोई अपने साथ शेयर करे। टॉकिंग डिजायर टू टॉक सम, मेरा दिल करता है मैं किसी से बातें करूं। मीन के पहले ये जो पर्सन था ये डिटैच हो गया था, लेकिन डिल्यूजन बटरफ्लाई इसको दोबारा फिर लोगों की तरफ लेके आती है, होप की तरफ लेके आती है, इसको रीबर्थ की तरफ लेके आती है, इसके अंदर जिंदगी की किरण पैदा करती है, रोशनी की किरण पैदा करती है, उम्मीद की किरण पैदा करती है, और ये दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ फिर जाना शुरू करती है। तो ये था रस्क लैब्रा का टीम, इसका जर्नी और इसकी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर।